और अगर यहाँ पर पाँव रखेगा तो उसके निशान छप जाएंगे और अगर यहाँ आया तो ये अलार्म बज जाएगा। इतनी ऊंचाई पर तो शायद कोई चील या चमगादड़ ही हो सकता है। कुछ बड़ा और बलवान था, चील या चमगादड़ नहीं हो सकता, शायद कोई जंगली जानवर होगा। लेकिन वो दिखने में कैसा था? कह नहीं सकता महाराज, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था, बस एक काली छाया के अलावा मैं कुछ नहीं देख पाया। अगर वो कोई जंगली जानवर था जिसकी नजर यहाँ के सारे बैल बकरियों पर पड़ गई थी तो वो दोबारा हमला जरूर करेगा। क्यों ना हम सब रात में पहरेदारी करें महाराज, वो जो कोई भी है फिर जरूर आएगा और इस बार तो हम उसे पकड़ के ही रहेंगे। बंदरगाह पे एक काला और खुफिया जहाज आया है। हाँ? ना उसमें कोई इंसान है। हाँ? और ना ही कोई सामान। महाराज काफी परेशान है। उस्ताद, अगर आप भीम से पहले इस खुफिया जहाज की पहली सुलझा दे। हाँ? तो आप महाराज की आंखों में भीम से ऊपर हो जाएंगे। दोनों बोलो, लगता है पहली बार तुमने अकल की बात की है। उस्ताद, वहाँ कोई है? क्या? लेकिन तुम दोनों जागते रहना और घबराना मत, अगर कोई दिखे तो मुझे उठा देना। जी उस्ताद। अच्छा तो तुम हो इस जहाज के कप्तान? ये जहाज हमारा नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना, समझे? भीम, अब तुम्हें ही रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। वो अगर यहाँ से गुजरेगा तो जरूर गिरकर उसमें फंस जाएगा। और अगर यहाँ पर पाँव रखेगा तो उसके निशान छप जाएंगे और अगर यहाँ आया तो ये अलार्म बज जाएगा। कितने अजीब पैरों के निशान हैं। वही पैरों के निशान तो इस घास पर भी है। पर वो अगर इस घास पर चलकर आया तो वो नीचे गड्ढे में गिरा क्यों नहीं? मैं बस उसकी छाया ही देख पाई। वहाँ उस तरफ। बिल्कुल बिल्ली जैसी आंखें थी।
तभी जाकर ऐसे करतब दिखा पाते हैं। मेहनत करने से तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। हमारे उस्ताद तो पूरा दिन खाते रहते हैं। हमने उन्हें मेहनत करते हुए कभी नहीं देखा। बोलो बोलो, फिर से मेरी बुराई करने लगे तुम दोनों। नहीं नहीं उस्ताद, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या, आप तो बिना मेहनत किए ही सबसे ताकतवर हो। अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने पर। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। महाराज ने बुलाया है तो जरूर कोई आवश्यक काम ही होगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। भीम, पिछले कई दिनों से जितने भी व्यापारी जंगल के रास्ते से आते जाते हैं और कई सारे व्यापारी तो जंगल में ही कहीं गायब हो गए हैं। वही तो एक राज है भीम, जो हम सुलझा ही नहीं पा रहे हैं। कैसा राज? क्योंकि ये अदृश्य है। घबराइए नहीं, मेरे पास एक तरीका है। क्या, कैसा तरीका भीम? वाह, उस घर में। चलो देखते हैं। ये अचानक कहाँ गायब हो गया? मतलब वो कुएं के अंदर ही गिरा। पर तुम हो कौन और क्या हो? जो लोग भूत की बातें करते थे ना, उन्हें गलत साबित करके उनकी खूब हंसी उड़ाता था। और टीवी पर मेरा एक प्रोग्राम आता था, भूत का भांडा फोड़। हाँ हाँ, मैंने देखा है, मुझे डर लगता था। तुम हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। तुम्हें पहले जैसा बनाने के लिए बस हमें उस पुराने महल का पता बता दो। मुझे बचा, मैं शीशे में कैद हो गया हूँ। लाल, मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई। पहले तुम्हें भी हमारा कहा मानना होगा। मानूंगा, कहो तो सही। एक, भूत बिल्ली को वापस इंसान बनाओ। और तीसरी शर्त ये है कि तुम दोनों भूत भाई कभी लोगों को नहीं डराओगे और सताओगे भी नहीं। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। Ha ha ha!